नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छा हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा अच्छे और तंदुरुस्त रहे। दोस्तों, मेरा आज का सफर या यूँ कहे तो मेरे गोवा का लास्ट नाइट का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको गोवा का खूबसूरत सनसेट और बाई ट्रेन दूध सागर झरना दिखाऊंगा। मैं अपने गोवा के सफर में आपको पहले ही गोवा के बेस्ट प्लेस, गोवा के चर्चेस, गोवा के बीच और गोवा के फोर्ट को दिखा दिया हूँ। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लास्ट वीडियो का लिंक आई बटन में दे दिया हूँ, आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो। और जो दोस्त अभी अभी इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे। इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोज हीरा ब्लॉग्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गोवा वैसे तो हम लोग जाते हैं पार्टी करने, फ्रीडम होने और वाटर एक्टिविटीज करने के लिए, मगर गोवा में कुछ ऐसा है जो हम लोग देख नहीं पाते और उसमें सनसेट और सनराइज सबसे टॉप पर आता है। तो चलिए आज गोवा के सनसेट का एंजॉय किया जाए। दोस्तों, जब आप सारी एक्टिविटीज कर थक जाते हो तो इस तरह शाम के वक्त बीच पर बैठकर सनसेट देखने का अलग ही मजा होता है। जब आप इस तरह आराम से सनसेट देखते हो तो गोवा के टूर के दौरान थकावट को भूल जाते हो। दोस्तों, जिस तरह गोवा में प्लेसेस और एक्टिविटीज आप एंजॉय करते हो, ठीक उसी तरह बीच के ऊपर बैठकर सनसेट एंजॉय करना बनता है। दोस्तों, हम लोगों ने दूध सागर फॉल्स का सफर बाई ट्रेन से किया, जो कि आप देख ही रहे हैं। वैसे दूध सागर फॉल्स का सफर आप दो तरीकों से कर सकते हो, पहला ट्रैक और दूसरा जीप के माध्यम से। ट्रैक, दोस्तों आप अगर दूध सागर फॉल्स ट्रैक करना चाहते हो तो आपको कोलेम स्टेशन आना होगा, जो कि नॉर्थ गोवा से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप बाई बस, टैक्सी या बाइक के द्वारा कर सकते हो। कोलम से दूध सागर 11 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे पूरा कर आप दूध सागर फॉल्स पहुंचते हो। मगर याद रखें, इस ट्रैक के दौरान आप अपने साथ खाने पीने का सामान जरूर रखें, क्योंकि इस ट्रैक में आपको कोई भी खाने पीने का दुकान नहीं मिलेगा। जीप, वहीं आप अगर जीप से सफ़र करना चाहते हो तो आपको कोलम आना पड़ेगा। कुलन से आप अपना जीप बुकिंग कर सकते हो। इस सफर में जीप का चार्ज, एंट्री फीस का चार्ज और लाइफ जैकेट का चार्ज मैं स्क्रीनशॉट में दे दिया हूँ, आप वीडियो को रोककर देख सकते हो।